हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल हर्षित सर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि पाई की परिभाषा क्या होती है। हम बहुत लंबे समय से सुनते चले आ रहे हैं कि पाई का मान 22/7 या 3.14 लेते हैं, लेकिन पाई का मान 22/7 या 3.4 ही क्यों लेते हैं, क्यों पाई का मान कुछ और नहीं लेते हैं, आखिर पाई का मान 22/7 ही क्यों लिया जाता है, इसका कारण इस वीडियो में हमने बताया है। आप हमारे वीडियो को शुरू से लेकर एकदम अंत तक देखिए ताकि आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, पाई का जो हमारा फंडा है, देखिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम तीन क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। वास्तव में पहले क्वेश्चन में हम त्रिज्या लेते हैं 7 सेंटीमीटर, दूसरे क्वेश्चन में लेते हैं त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और तीसरे क्वेश्चन में लेते हैं त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। दोस्तों, हम ले लिए। अब हमें इन तीनों क्वेश्चन में वृत्त की परिधि निकालेंगे। दोस्तों, हम जब वृत्त का परिधि दोस्तों होता है 2πr, जब हम निकालते हैं 2πr से r इक्वल टू 7 रखते हैं तो हमारा आ जाता है दोस्तों 2 × π का मान हम 22/7 लेते हैं। अभी आगे बताएंगे कि क्यों ही ऐसा लेते हैं। जब 22/7 लेंगे और हो जाएगा 7 तो दोस्तों हमारा आ जाएगा 44। इसी प्रकार जब r इक्वल टू 2πr से r इक्वल टू 14 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा 88 और इसमें आ जाएगा 132 सेंटीमीटर। सब दोस्तों हमारा सभी सेंटीमीटर में है तो हमारा परिधि आ गया दोस्तों। उसके बाद हम व्यास निकालते हैं। इसमें व्यास होगा 14 सेंटीमीटर, इसमें होगा 28 और इसमें होगा 42। उसके बाद दोस्तों हम देखिए, हम एक कॉलम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कॉलम। कॉलम में हम यहाँ लिखेंगे व्यास और लिखेंगे परिधि और दूसरे में तीसरे में लिखेंगे परिधि बटे व्यास। दोस्तों, हमने तीन क्वेश्चन लिया है तो पहले में हमारा व्यास है 14 सेंटीमीटर, दूसरे में हमारा है 28 सेंटीमीटर और तीसरे में हमारा है 42 सेंटीमीटर और परिधि हमारा पहले में आया है 44, दूसरे में आया है 88 और तीसरे में आया है 132। दोस्तों, हम इसमें परिधि बटे व्यास लिखेंगे तो इसका परिधि है 44 बटा 14, इसमें है 88 बटा 28 और तीसरे में 132 बटा 42। अब दोस्तों, हमने तीन क्वेश्चन लिए और तीनों क्वेश्चन की त्रिज्याएं अलग अलग ली और उसकी परिधि को निकाला। परिधि को निकालने के बाद उसके व्यास को निकाला और परिधि में उसके व्यास से भाग दिया। दोस्तों, हम कुछ अजीब सा देखते हैं कि परिधि बटा व्यास का अनुपात जो आता है वो एक हमेशा 3.4 या 22/7 आता है। तो देखिए, हम 44/7 को जब साल करेंगे तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा 22 × 44 और 7 × 14 आ जाएगा हमारा 22/7। इसी प्रकार जब 88/28 को साल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 22/7 और 132/42 को भी साल करेंगे तो आ जाएगा हमारा 22/7 और जब 22/7 को हम 22 में 7 से भाग देते हैं तो हमारा आ जाता है 3.14 और आ जाता है 3.14। अतः दोस्तों, जो हमारा ये पूरा फंडा है, कोई भी वृत्त हम ले, चाहे वह वृत्त छोटा हो या फिर बड़ा हो, उसके परिधि और व्यास का अनुपात हमेशा एक नियतांक होता है। वह नियतांक 22/7 या 3.1 होता है। इसीलिए पाई का मान 3.14 या 22/7 लिया जाता है। अतः जब हम कोई वृत्त को किसी वृत्त को लेते थे, उसके परिधि और व्यास का अनुपात निकालते थे तो हमेशा 22/7 या 3.14 आता था। इसलिए इसको हम शॉर्ट में लिखने के लिए इसको एक नियतांक आता था, इसको शॉर्ट में लिखने के लिए इसको हम एक नाम दे दिए जिसका नाम है पाई। तो हम इसको पाई से निरूपित करते हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए और हम यूट्यूब पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।